क्या नाम है आपका? मैं दिनेश कुमार बौद्ध। आप भीम आर्मी से भी संपर्क? भीम आर्मी से भी संपर्क रहता हूँ। अब यस थ्री बहुजन समाज पार्टी जी सारे से मैं हूँ। बहुजन समाज पार्टी में यहाँ मोतीनगर विधानसभा से प्रभारी हूँ। पूरे देश में आपको आप देख रहे हैं, पूरे देश में जो बहुजन के जो हालात हैं बहुत ही एक दर्दनाक घटनाएं उनके साथ घट रही हैं, तो कैसे बचाएंगे इस बहुजन? तो पहले सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और डॉक्टर बीबर राव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और मानवर कांसीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आर्य लेडी मानते हुए और अपने सभी संगठन वालों को चेताता हूँ कि बहुजन समाज अब जाग चुका है और सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है ये मनुवादियों से। तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। संविधान जला दिया जा सकता है देश की पार्लियामेंट के सामने और उन लोगों का कुछ नहीं होता। और एक देवकी नंदन जी हैं जो एक खुलेआम बहुजन समाज को गाली देते हैं, दलित समाज को गाली देते हैं। देखिए ये मैं आपसे बताऊं, घंटे पर उनकी गिरफ्तारी का ड्रामा दिखाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, क्या है? मैं आपको बताऊं, ये मनुवादियों की सरकार है जी। हमारे बहुजन जितनी भी क्रांति करें कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये सरकार चेंज नहीं होगी जी। जी जी, तो ये मिला जुला के बहुजन ये बीजेपी सरकार है, ये लोग हमेशा ही हमारे साथ गलत किए हैं और कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि 2019 में हम लोग बहुजन की एक सरकार बनाएं कि हमारी जो बहुजन में दबे हुए कुचले हुए आदमी हैं जो सम्मान से जी सकें। और रही देवकी नंदन की बात, रही देवकी नंदन की बात, मैं देवकी नंदन के लिए कहना चाहता हूं कि देवकी नंदन क्या है? एक कथावाचक है ना वो, तो कथावाचक ही कह रहे तो उसके लिए ठीक रहेगा, नहीं बहुजन क्रांति जाग जाएगी तो उसके सारे जितने तथा क्या हैं ये वाचक हैं जितने जितनी उसकी दुकानदारी है वो अपने आप बंद हो जाएगी। अपने आप इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि दुकानदारी उनकी चलाने वाले हमारे बहुजन के लोग हैं। तो मैं उनको अपनी तरफ से मैसेज देना चाहता हूं कि इनकी दुकानदारी बंद की जाए। जैसे इनकी दुकानदारी बंद होगी अपने आप ही धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। इनको हमें इनको मजबूत करने वाले और हम ही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं, हम लोग ही हैं जो बहुजन के लोग हैं कि इनको मजबूत करना। इनके मंदिर में मस्जिद में जाके हम लोग इनको पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं और हमारा ही पैसा लेके और हमें पे ये धोखा जमा रहे हैं लोग। तो मैं इनको आपने भी एक बात कही कि राजनीति सत्ता अगर हासिल हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो 2019 के लिए अपने युवा भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने युवा भाइयों को यही देना चाहता हूँ संदेश कि 2019 में बीएसपी का पूरा फुल सपोर्ट करें और बहन जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनाए। यही हमारे अपने युवा से सबसे वो है मेरा। संविधान जला जाता देश की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने, उसके बारे में क्या? तो मैं उनको बता दूं जो संविधान जला रहे हैं उनको मैं कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं, जो हमारा संविधान जला रहे हैं उनको बता दे रहा हूं कि जो देश का हमारे देश का संविधान जिसके बदौलत हमारा पूरा देश चल रहा है और बाबा साहब का संविधान हमारा जो जलाएगा वो मनुवादियों को उखाड़ के फेंक देना है 2019 में। और राष्ट्र देश का संविधान जला है, राष्ट्रपति मोदी जी खामोश है, देश के प्रधानमंत्री खामोश है, अंदर ही है। जब तक ये मोदी सरकार रहेगी हमारा संविधान भी जला जाएगा, इनकी मनुस्मृति भी लागू हो जाएगी, ये जो चाहे वो कर लेंगे। तो मैं अपने बहुजन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अब इकट्ठा होकर मिल के लड़ाई लड़िए, क्योंकि वो चार पाँच चुच पूंजियों 10-15% हैं वो आज इकट्ठा होकर हमसे लड़ाई कर रहे हैं जिनकी औकात नहीं है। उस टाइम कहाँ मर गए थे? जब संविधान लिखना था तो मर गए थे, तो क्यों हमारे बाबा साहब से संविधान लिखवाया? आज तुम्हें तो दिक्कत हो रही है उसकी, तो तुम्हारा भारत छोड़ के यहाँ से चले जाओ, जहाँ के रहने वाले वहाँ चला जाओ। और संविधान जलाने वाले को मेरी खुली चेतावनी है, अगर संविधान जलाया जाएगा अगर वो पकड़ेगा तो उनकी गर्दनें काट दी जाएगी, गर्दनें। जय भीम।